राइट एंड ओवरऑल क्या अलग है जो आपको इस कॉलेज में मिलेगा दैट आईम गोन डिस्कस लेट्स गेट स्टार्ट

थोड़ा सा यू you नो know, अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आपने या तो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या फिर आप अप्लाई करने का सोच रहे हो इट कम्स टू द स्पेसिफिक कॉलेज सो लेट्स स्टार्ट एंड प्रोसीड विद द वीडियो सो दिस इज बेसिकली अबाउट द कॉलेज हम इस पर उतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे काफ़ी ब्यूटिफुल कैंपस है मैं फिजिकली आई विन टू हैदराबाद बट आई विन टू द कैंपस वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है और वीडियोस के साथ साथ मैंने कई सारी वीडियोस भी देखी हैं कैंपस की क्या क्या सारी चीज़ें तो कैंपस काफ़ी सुंदर है आँ... ऑब्वियसली बड़ा कैंपस है तो आप ये सोचो कि मुझे एकदम हैदराबाद में पीक मेन लोकेशन पर मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है थोड़ा सा कट्स में है बट इट्स अ वेरी वे वी ब्यूटीफुल कैंपस 260 एकड़ में स्प्रेड है तो आप सोच सकते हैं यू विल फाइंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम स्विमिंग पूल टू इंडोर एक्टिविटीज़ टू आउटडोर एक्टिविटीज़ और काफ़ी चिल्ड काइंड ऑफ इनवायरमेंट आप सीन लॉर्ड ऑफ कॉलेज जहाँ बच्चे कहते हैं कि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है बट इट कम्स टू आई एस बी हैदराबाद इट्स लाइक यू नो उनको पता है कि यार सभी मैच्योर लोग आ रहे हैं आई हैविंग वर्क एक्सपीरियंस तो काफ़ी यू नो and Not so much rules and regulation when it comes to the college. So the heart of the campus is the academic, which house lectures, theaters, classroom, faculty offices, learning resources, and 500 seaters auditorium. So life at ISP. I just students about I asked him, ki, you know, uh, kaisi life? I mean, how was your experience?" Because uh,

राइट एट फर्स्ट ग्लेंस यू नो ये कुछ स्टाटिस्टिक्स हैं थर्टी क्लिप प्लस एलुमनाइज है राइट रिसर्च रैंकिंग इन इंडिया नंबर वन पोजिशन पे आता है इन द वर्ल्ड फीचरिंग ग्लोबल एम बी ए रैंकिंग्स थर्टी टू पोजिशन पर आता है इन एशिया फ़ीचरिंग ग्लोबल एम बी ए रैंकिंग ट्वेंटी टू जो है वो फोर्थ पोजिशन पे, पे आता है तो वर्ल्ड में ये थर्टी टू बी स्कूल्स के अंदर है और एशिया में नंबर फोर्थ पे आता है और रिसर्च सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशन नाइन्थ पोजिशन पे कहीं ना कहीं आता है उसके बाद कई सारे इंस्टीट्यूट एंड सेंटर हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर फॉर एनालिटिकल फाइनेंस रिसर्च सेंटर सेंटर फॉर बिजनेस मार्केट सेंटर फॉर लर्निंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं पर आई थिंक इसको उतना ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं जानना चाहते हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करेंगे उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों में डेट्स भी आती है तो अगर इनका हम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात करें जो एक साल का होता है जिसमें मिनिमम दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड पीजीपी प्रोग्राम राइट जिसके ऑलरेडी ओपन है राइट थर्टी सेप्टेम्बर से फोर्टीन नवंबर ट्वेंटी तक जो है वो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट ऑलरेडी हो चुके होंगे देन पीजीपी राउंड वन के रिजल्ट

यू नो एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है ओनली टू फर्स्ट राउंड एप्लीकेंट्स अप टू सेवेंटी फाइव पर्सूशन फी वेवर जो है वो सिर्फ सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड के स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ राइट right? सो so, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो सिंपल सी चीज़ है दे हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पीजीपी की बात करें तो बैचलर्स डिग्री राइट जी मार्ट जी आर का स्कोर और मिनिमम दो साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है उसके बाद इनका जो पी जी पी डिफॉर्ड उसमें बैचलर्स डिग्री जी मार्ट जी आर लेस देन ट्वेंटी मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ये वन ईयर का प्रोग्राम है देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यू नो देन वाई वो कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकता है तो पीजीपी है पीजीपी प्रो है मैं आपको सीट इंटेक बता देती हूं अगर मैं सीट इंटेक्स की बात करूं व्हेन इट कम्स टू आईएसबी हैदराबाद तो

सो पी जी पी हैदराबाद मोहाली पी जी पी प्रो हैदराबाद डेली मुंबई बैंगलुरू पी जी पी मैथ्स हैदराबाद मोहाली पी जी पी एम एफ ए बी राइट हैदराबाद इंड मोहाली तो मैं इसमें डिटेल में पी जी पी की बात करी हूँ बिकॉज जिन स्टूडेंट्स से मैंने इंट्रैक्ट किया है वो पी जी पी के हैं तो दैट इज द रीजन बाकी कोर्सेज अगर आप चाहते हो मैं रिव्यू करूँ तो लिमिन इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई डेफिनेटली ट्राई टू रिव्यू दोज कोर्सेज ऑल्सो सो रीजन्स टू चूज आई एस बी आई हाज दिस क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड कि बहुत सारे आई हैं राइट जस्ट स्टूडेंट का क्योंकि uh, जिस टाइम पे द स्टूडेंट इनरोल्ड उस टाइम पे जो एवरेज जी मार्ट स्कोर रिक्वायर्ड था दैट वॉज सेवन ट्वेंटी राइट तो सेवन ट्वेंटी जिस बच्चे ने जी मार्ट किया वो इवन कैट में भी अच्छा स्कोर कर सकता है एंड दे हैव सो मेनी अदर ऑप्शन ऑल्सो जहाँ पे फी स्ट्रक्चर जो है कंपेरेटिवली कम होती है तो आई आज दिस क्वेश्चन की यू नो वाई आई एस बी तो ही सेट की सबसे अच्छी चीज़ है मैडम का हम सो मैं पी जी पी कोर प्रोग्राम जिनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके बारे में बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आई मीन एवरीबडी कम्स विद वर्क एक्सपीरियंस राइट वी डोंट हैव फ्रेशर्स सो अलग अलग स्ट्रीम्स के वर्क एक्सपीरियंस और अगर हम अकेडमिक डाइवर्सिटी की बात करें तो आई थिंक 50% परसेंट इंजीनियर्स हैं 50% परसेंट नॉन इंजीनियर्स अगर आप बाकी सारे बहुत सारे कॉलेजेस में देखेंगे तो वहाँ पे थोड़े से इंजीनियर डोमिनेंट स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो आपको हर स्ट्रीम का नहीं मिल पाता है हमारे बैच में वी हैव डांसर्स वी हैव यू नो एथलीट्स राइट सो द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दे हैव आई मीन वैन इट कम्स टू दो यू नो अकेडमिक प्रोफाइल सो वैन यू सेट वैन यू डिसकस यू नो यू फाइंड अ लोड ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ अ लोड ऑफ़ यू नो डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स वैन इट कम्स टू दिसकशंस सो ये जो कुछ चीज़ें हैं दैट इज़ ऑल टोटल डिफरेंट वैन इट कम्स टू आई एस बी यू नो हैदराबाद टू अदर कैंपस जैसे ग्लोबल कोलाबोशन है ग्लोबल कोलाबोरेशन मेंद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ये ऑप्शनल है राइट जिसमें स्टूडेंट्स यूजली वन टू टू मंथ के लिए जा सकते हैं uh, किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उसके अलावा फैकल्टीज अच्छे हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर है international exposure है, वर्ल्ड क्लास कैंपस है, है, है alumni network and career services, ये तो काफी चीजें हैं, बट मैंने आपको जो बताया विच इज बिंग सेट बाई स्टूडेंट नाउटिंग जिस कॉलेज में पूजा जाएगी मैं भी उसी कॉलेज में जाऊंगा <laughs> तो नहीं जा सकते क्यों उस कॉलेज में क्या टीचर्स नहीं है पीचर्स है वहां एमबीए नहीं होता है क्या एमबीए भी होता है लेकिन बस तो हो गया फाइनल मैं वहीं जाऊंगा हर तुम उस कॉलेज में नहीं जा सकते राजू गर्ल्स तो कॉलेज है दूसरों को फॉलो करना बंद करो एमबीए विद आरसी सर्च करो नो द बेस्ट आर आरओई कॉलेज विच यू डिजर्व बाय स्टूडेंट कबरी हर कॉलेज की खबर फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म गिवन बिलो सो so, अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट uh, से जब मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर ही सेड दैट डिपेंड्स जिनको स्कॉलरशिप मिली है जिनको नहीं मिली है बट अगर हम इन जनरल बात करें तो जीएसटी भी आपको 18 परसेंट पे करना है राइट एडमिशन फी पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन थ्री लाख देन जी एस टी तो थ्री लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड जो है वो आपको एडमिशन के टाइम पे पे करना पड़ता है देन उसके बाद अगर हम बात करें तो uh, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड या yeah. सो so, uh, ये है फीस एट द टाइम ऑफ रिफर ऑफर लेटर राइट देन उसके बाद कमिटमेंट फी राइट एट द टाइम ऑफ अगेन स्पेसिफाइड ऑफर लेटर ये टू लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड है बट मैं फीस स्पेसिफाई कर दूँ पी जी पी के स्टूडेंट हैव मैंशन दैट जो फीस है आपको कंप्लीट पड़ती है दैट इज नियर अबाउट थर्टी थ्री से थर्टी एट लाख रुपीज डिपेंडिंग अपॉन आपको स्कॉलरशिप मिली है नहीं मिली है उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट से पहले बात करें तो अलड ऑफ हैव दिस क्वेश्चन की जी मैट का स्कोर क्या चाहिए तो ही सर कि इस साल का मुझे आइडिया नहीं है बट हमारे टाइम पे एवरेज जी मैट स्कोर जो है वो सेवन ट्वेंटी रिक्वायर था उसके बाद सेकेंड जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है दो ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है मतलब तो उसके बाद इंटरव्यू होता है जो थर्टी से सिक्सटी मिनट का होता है जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है तो आपका जी मैच स्कोर राइट देन जी मैच स्कोर के बाद अगर हम बात करें तो आपका यू you नो know, दो ऐसे एल रिक्वायर्ड होते हैं देन इंटरव्यू के लिए उसके बेसिस पे कॉल किया जाता है एंड देन उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हम बात करें तो यू नो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो होता है पहले कोविड uh, के टाइम उनके टाइम पे इट वाज ऑनलाइन प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू अभी दे हैव डिफरेंट सिटीज़ जहाँ पे वो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं तो यू हैव टू गो फिजिकली इन गिव दैट इंटरव्यू प्रोसेस तो प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट से पहले अगैन आप अगर मैं रिसेंटली अभी वेबसाइट पे एवरेज पैकेज देख रही थी 34.21 का मेंशन कर रहे थे एवरेज पैकेज तो इसमें मैंने ये भी क्वेश्चन किया कितना फ़िक्स होता है कितना वेरिएबल तो आज पर स्टूडेंट टेन परसेंट जो है वेरिएबल होता है फ़ाइव टू टेन परसेंट ज्वाइनिंग बो, बोनस होता है और बाकी जो है वो कहीं ना कहीं फ़िक्स पैकेज होता है तो ये 2000 आई थिंक यहाँ पे तेईस का मेंशन नहीं है 2022 में एवरेज पैकेज जो है वो 34.08 का है और दो तेईस का भी प्लेसमेंट रिपोर्ट किया आ गई है विच इज़ थर्टी फोर पॉइंट टू वन का मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है एवरेज पैकेज में हाइएस्ट पैकेज जो है 2022 का यहाँ मेंशन है विच इज नीयर अबाउट सिक्सटी लाख और मी यू नो मीडियम पैकेज एटी परसेंट स्टूडेंट्स का जो है वो थर्टी लाख का है और इवन ट्वेंटी में भी जो है वो इसी के नियर अबाउट है तो मैंने एक और क्वेश्चन किया कि यू नो आर अगर हम बात करें तो वैसे तो आर एवरेज पैकेज में कवर हो जाता है जितना फीस स्ट्रक्चर है बट ऑल्सो इससे कम बजट में भी सेम आर वाले बहुत सारे आई एम्स तो दिस एट कि यू you नो know, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो वर्क एक्सपीरियंस वाले आ रहे हैं दैट मीन्स अगर वो ऑन एन एवरेज दस लाख रुपये साल का कमा रहे हैं तो दो साल में उनका वो भी बीस लाख रुपये कॉलेज की फीस के साथ लगता है अगर वो किसी आई एम जाते हैं यहाँ पे क्या है एक साल का प्रोग्राम है एक साल आपकी सैलरी प्लस ये मिला के अगर आप देखोगे तो आर ओ आई जो है वो वर्थ है एंड इट्स ऑल टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस सेक्टर वाइज भी प्लेसमेंट है कंसल्टिंग में थोड़ी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट है आई टी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में ट्वेंटी सिक्स परसेंट बी एफ एस आई में नाइन परसेंट नाइन पॉइंट सेवन एट परसेंट या ट्वेंटी टू की बात कर रही हूँ मैं तो ई कॉमर्स एट पॉइंट टू थ्री परसेंट एफ एम सी जी है फार्मा हैल्थ केयर है बहुत सारे प्लेसमेंट्स हैं एलुमिनाई से पहले मैं हॉस्टल्स की बात कर लेती हूँ सो हॉस्टल्स में बेसिकली दे हैव दिस यू नो स्टूडेंट विलेज करके राइट right? एंड uh, चार स्टूडेंट विलेज हैं टोटल और लच्चे एक स्टूडेंट विलेज है तो एक स्टूडेंट विलेज में यू you नो know, चार से पांच जो हैं वो यू you नो know, लड़कियों के हैं चार से पांच जो हैं वो लड़कों के हैं तो ऐसा कुछ ऐसा सेपरेट नहीं है कि लड़कियों का अलग है लड़कों का अलग है उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मार्ड है तो उनके लिए आपके पास यू नो फोर बी एच के थ्री बी एच के ऐसे बिलाज़ के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं तो यू कैन इवन कम विद योर फैमिली ऑल्सो आप वहाँ पे भी वो भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है कोई टाइम नहीं है कि यू you नो know, आपको हॉस्टल में आने का ये फिक्स टाइम है उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि यू you नो know, आप आन बॉयज के नॉट गो टू गर्ल्स हॉस्टल गर्ल्स के नॉट गो टू बॉइज हॉस्टल सो आन दे हैव यू नो क्वाइट, यू नो फ्री काइंड ऑफ यू नो एटमोसफेयर तो ये कहीं ना कहीं हॉस्टल है उसके अलावा एलोमनाइज कई सारे एलोमनाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं राइट अंकुरे को आप इनके बहुत सारे आज देखते हो मैं भी बहुत सारे आज देखती हूँ उसके अलावा रविंद्र सिंह यू नो इंडियन सॉफ्टवेयर एंड ऑथर ऑफ नाइन नॉवल्स अंकुर वारिको इंडियन यू नो यूट्यूबर इंटरनेट ऑन्ट्रप्रनोर नवनीत सिकेरा एडिशनल डायरेक्टर जनरल यू नो ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस अभी आपने रिसेंटली यू you नो know, uh, शार्क टैंक में देखा होगा तामन गुप्ता इज ऑल्सो एलुमनाय जैसे बहुत सारे एलुमनाइज हैं ये स्कॉलरशिप है जो कि मेरिट बेसिस पे है कुछ हंड्रेड परसेंट है कुछ ट्वेंटी फाइव परसेंट है आई मीन दैट इज फॉर द ट्यूशन फीस तो आप एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चेक कर सकते हो अबाउट दी स्कॉलरशिप एंड ये सारे क्लब्स हैं सारे ही क्लब्स जो हैं वो बहुत एक्टिव है बिकॉज आई एस बी जो है वह अपने कॉलेज लाइफ के लिए जाना जाता है राइट फ्रॉम हेल्थ केयर फिनांस वेंचर कैपिटल क्लब ऑन्ट्रप्रेनोर वेंचर कैपिटल क्लब एनर्जी क्लब कंसल्टिंग क्लब बिजनेस टेक्नोलॉजी क्लब वुमेन इन बिजनेस क्लब मार्केटिंग क्लब नेट इम्पैक्ट क्लब सो सो दे हैव मेनी क्लब्स and even uh, you know a lot of their alumni are into entrepreneurship then uh, these, these are the pros great opportunity for career in consulting one year advantage in pgp program cons me, large batch size hai intake zyada hai not best for two to three years for work experience matlab again apni individual profile and that's all about this episode do not forget to like share and subscribe i hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe